नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश और राज्य की 10 प्रमुख खबरों पर। सहरसा में जमीन विवाद में हुई हत्या, आक्रोशित लोगों ने फूंका घर, कार और बाइक, इलाके में भारी पुलिस तैनात। भारत में एक दिन के भीतर सामने आए कोरोना वायरस के 8306 नए केस, सक्रिय मामलों की संख्या 1,00,000 से कम। अपनी मांगों को लेकर PHQ का घेराव करने निकले पुलिस परिवार के सदस्यों पुलिस ने रोका, अनुशासन चाहिए के लग रहे नारे। अमेरिका में अब ट्रंप बनाएंगे अपनी सोशल मीडिया कंपनी, 11 महीनों से ट्विटर फेसबुक ने लगा रखा है बैन। आज मोदी पुतिन की बैठक पर टिकी है दुनिया की निगाहें, राइफल सौदे पर लगेगी मुहर। वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़ अपनाया हिंदू धर्म, महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कराई सनातन धर्म में वापसी। BMC ने अवैध निर्माण बिल्डिंग को लेकर सोनू सूद को भेजा नोटिस। दिल्ली महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में भी कोरोना के नए वेरियंट की दस्तक, देश में ओमिक्रॉन के कुल 21 केस। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहा कोरोना, 15,000 टेस्ट में 25 संक्रमित मिले, अब एक्टिव केस 330 हुए, रायपुर, रायगढ़ और दुर्ग सर्वाधिक प्रभावित। पूर्व मध्य रेलवे के 52 स्टेशनों को मिला ISO सर्टिफिकेट। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप लोग देख रहे थे न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।